जी हाँ, तो बहुत टाइम बाद मौका मिला है रोमांस करने का, और इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो क्लियर हो गई कि फुंटिया घर में कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है, और इसीलिए हम लोग को जो थोड़ा सा टाइम मिला था उसमें प्यार का इजहार हो रहा था, और फिर अचानक से मेरी आँख फड़कने लगती है, यानी कि कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। पापा से पहले भी काफ़ी प्यार है, गाना भी बोला जाए, शायरी हो रही है, तो इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ, दोनों को बहुत टाइम के बाद रोमांस करने का मौका मिला है बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद, तो इसलिए फिर से गुड्डू फुंटी के लिए शायरी कर रहा है और फुंटी खुश हो रही है बहुत ज़्यादा।